करो अब। केरला मैनेजिंग ऑन द टॉप इन बिजनेस एंड सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म इन की कैटेगरीज। तो बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सिविलियर कैटेगरीज की बात की जा सकती है। किस तरह से जब हम केरला की बात करते हैं तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 22 अवार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो इसमें बात करते हैं किस तरह से जब अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग वेरियस सर्टिफिकेट विद इजी प्रोवाइडर बाय द अर्बन बॉडी अर्बन लोकल बॉडीज, इशूइंग सर्टिफिकेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू और इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रनिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इकोसिस्टम। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करना। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है तो उसके लिए ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं पोर्टल्स की तो जेम पोर्टल जो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एमएसएमई के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए है ताकि जो भी प्रोडक्ट्स है एंड प्रोडक्ट्स तक पहुंचा जा सके, जिसमें हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट किया जा सके, चाहे वो ट्राइबल हो या फिर अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो, उन सभी के जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए ताकि जो एनरिचमेंट है वो ईजी हो सके। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिकॉग्नाइज करने के लिए आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करती है तो एनहेंस ऑफ इज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसके लिए मुद्रा स्कीम ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके। उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनबीएफसी की बात की जा सकती है जो कि लोन प्रोवाइडर है और लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो आरबीआई के थ्रू गाइडलाइन दी गई ताकि जो स्टार्टअप्स और जो अदर एमएसएमईज है उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके उसको इजी बनाने के लिए ताकि इज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी हो सके। उसके लिए स्टेट्स है जैसे केरला आंध्र प्रदेश गुजरात में हाईलाइट होता है कि रिमार्केबल रिफॉर्म किए गए हैं। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गिफ्ट सिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए थे ताकि जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो की कैटेगरीज है बिजनेस की उसको प्रमोट किया जा सके। जो कि हम तमिलनाडु में देखते हैं तो तमिलनाडु में हमें देखने के लिए मिलता है कि मेडिकल सेक्टर टेक्सटाइल में या फिर जो अदर सेक्टर है सभी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्लग एंड प्ले जो अप्रोच है उसको अपनाया गया है ताकि जो इंडस्ट्रीज है उनको सभी जो भी सर्विसेज होनी चाहिए वो एक ही जगह पर मिल सके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो वर्कर हो, और जो इन सभी को पीएम गतिशक्ति के द्वारा जोड़ा जा सके ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, जीडीपी ग्रोथ की जा सके। ताकि जब हम बात करते हैं ऑल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अप्रोच को अपनाया गया है, जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अदर स्टेट के साथ जोड़ा जा सके। उसके लिए रेल लिंक लाइन की बात कर सकते हैं जो कि असम के डिगपुर से लेकर आंध्र प्रदेश तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा मानसी आपको ऐड करना है इसमें कुछ? नहीं, इसमें वो जस्ट से कि जैसे हम यहाँ डिफरेंट स्टेट मॉडल की, हमने स्पेसिफिकली केरला मॉडल की बात करी, सो वी कैन से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि यूनियन गवर्नमेंट का रोल, यूनियन एग्जीक्यूटिव का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज इन दिस केस, सो रोल ऑफ अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स, सो सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेशन वुड बी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस विल ऑल्सो बी फर्दर फ्यूलिंग हेल्दी कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म एंड कॉपरेटिव फेडरलिज्म एट द सेम टाइम, बिकॉज इट कैन बूस्ट. अगर फॉर एग्जाम्पल केरला में वी आर सीइंग दैट दिस इज वन ऑफ द स्टेट्स टू हैव अगेन बेटर बिजनेस इकोसिस्टम, सो इट वुड बी पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ इवन द सराउंडिंग स्टेट्स ऑल्सो, सो दैट इज वाई वी कैन से मोर कॉपरेशन शुड बी बूस्टेड थ्रू सच रिफॉर्म्स एज वेल, एंड वी कैन सी कि इन द एंड वी आर सीइंग
कि हाउ डिजिटाइजेशन इज ईजिंग एवरीथिंग, हाउ इट इज मेकिंग थिंग्स सीमलेस, फेसलेस, ट्रांसपेरेंट एट द सेम टाइम. इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड हेंस बूस्टिंग पॉजिटिव ग्रोथ. जो एफडीआई और एफपीआई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी स्टेट और सेंटर की द्वारा जो फेस्ट या फिर जो फेयर्स कराए जाते हैं उनका रोल देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. और जो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है वो अपनाई जा सकती है कि सेक्टर्स को, जैसे सेमीकंडक्टर है या फिर एआई है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर जो अप्रोच अपनाई जाती है, इस तरह से की स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को या फिर सेक्टर्स को टारगेट कर उस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके ताकि इकोसिस्टम क्रिएट हो बिजनेसेस के लिए. बिजनेसेस और सिटीजन्स दोनों के लिए यहाँ पे मेंशन भी है कि एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करना टू बिजनेस एंड सिटीजन्स अलाइक एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेसेस. तो केरला मॉडल हो गया, देन उत्तर प्रदेश मॉडल की भी हम बहुत बात करते हैं न्यूज. डॉन स्पेसिफिक टास्क फोर्स इन रेस 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान. तो दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वो टैकल कर सके एयर पोल्यूशन को जो विंटर्स में देखा जाता है दिल्ली के अंदर. इसके लिए पहले भी काफ़ी सारी पॉलिसीज अप्लाई की जा सकती है जिसमें वर्क फ्रॉम होम, बैन ऑन व्हीकल्स जो एयर पोल्यूशन के लिए हॉटस्पॉट है, उसके अलावा जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उसको अपग्रेड किया गया था ताकि सिटीजन को अवेयर किया जा सके या फिर जो सिटीजन है वो रिपोर्ट कर सके ऐसे एयर पोल्यूशन एक्टिविटीज के बारे में जो कि पोल्यूट पोल्यूशन को बढ़ाती है. इसके अलावा जब आर्टिफिशियल रेन्स की बात करते हैं तो वो की गई थी ताकि दिवाली के टाइम पर आर्टिफिशियल रेन सीडिंग की गई थी पोल्यूशन को कर्व करने के लिए. इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग यहाँ करना. पे आर्टिफिशियल रेन अभी तक हमने कहाँ कराया है? दिल्ली में किया गया था दिवाली के नहीं आसपास. किया गया है, अभी नहीं किया गया है कहीं पे भी. ये लिखा हुआ है इमरजेंसी मेजर है टू डिस्पर्स अराउंड दीपावली थ्रू क्लाउड सीडिंग, अगर जरूरत पड़ी तो कराएंगे. इसके अलावा ड्रोन्स का यूज किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए जो 13 आइडेंटिफाई किए गए हैं पोल्यूशन हॉटस्पॉट. हरी रत्न पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था कंपनीज को ताकि वो एक्स्ट्रा माइल टू कंटेन इमल्शन को रोक सके. स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो इमर्ज की गई थी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए और रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के लिए ताकि जो इमरजेंसी मेजर्स है वो लिए जा सके विंटर्स के ड्यूरिंग. इसके अलावा जो हम एंड बात वी हैव ऑल्सो सीन कि ग्रीन कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए. सो दैट इज वन थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो से कि जहाँ लिखा है कि जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स होंगे वहाँ पे व्हीकल्स बैन कर देंगे. सो ये कितना ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल आइडिया है, दैट इज ऑल्सो वन एरिया कि वेदर दिस वुड नॉट हैम्पर द ईज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड द सिटीजन्स completely banning the vehicles in hotspots. जो ग्रीन बसेज या फिर ग्रीन व्हीकल्स है उनको अलाउ किया जा सकता है, कंप्लीटली बैन तो उसे क्रिएट कर सकता. Then different departments देख सकते हैं, जैसे MCD is one of the core, then National Highways Authority of India है, Central Public Works Department is there, Delhi Pollution Control Committee and Government of Delhi, Union Government is again that is also, these are key stakeholders. फाइंडिंग द हेल्थ हेल्थियर फ्यूचर. तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की गई किस तरह से मॉडर्नाइज किया गया मेडिकल फैसिलिटीज को, एक्सपेंड किया गया हेल्थ केयर कवरेज को आयुष्मान भारत के तहत, और सेफ मदरहुड स्कीम्स चलाई गई है जिसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेनिंग जो है वो एफिशिएंसली इम्प्लीमेंट किए गए, एनहेंस किया गया हेल्थ केयर एक्सेस को. इसके अलावा जो हम प्रधानमंत्री जन
औषधि केंद्र की बात करते हैं, उनके जो कि अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं उनको अवेलेबल कराया गया सिटीजन्स को, इम्प्रूव किया गया हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी को, ताकि जो स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके, मेडिकल डिवाइस पार्क जो है इंक्लूड किए गए, बल्क ड्रग्स पार्क, या फिर जब हम मेड टेक पार्क की बात करते हैं उनको प्रोग्रेसिवली डेवलप किया जा रहा है स्टेट्स के अंदर। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज मिशन जो है वो है, जिसके अंदर 65 मेडिकल कॉलेजेस आर ओपन विद इन 22 मोर अंडर कंस्ट्रक्शन, और सिविरली न्यू कॉलेज आर वेल बीइंग ऑपरेटेड इन बिजनौर, कानपुर। बस की एरियाज उठाओ, जैसे नॉर्थ इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक लखनऊ में ओपन किया गया है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज ऑल्सो। जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ दी सर्विसेज, पर्टिकुलरली हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, देन लार्जेस्ट फार्मा पार्क भी कंट्री का उत्तर प्रदेश में ही है, इन पीलीभीत, ललितपुर और जेवाड़। तो दीज पार्क्स विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द पीपल, एंड इट विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो कॉम्प्रीहेंसिवली मेडिकल कवरेज वुड बी टेकन केयर ऑफ एंड केटर्ड टू। देन अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल माइल स्टोन्स, तो ये स्कीम्स हो गई हैं, एम्स एक्सपेंशन, मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला इज देयर, देन पर्टिकुलरली स्कीम्स आर देयर टू रिड्यूस द मोर्टैलिटी रिलेटेड टू अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम्स, जिसको ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस हैज बीन रिड्यूस टू जीरो एज ऑफ मे 2024। सो वी कैन फोकस ऑन कोर एरियाज, जैसे येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट काला आजार, या फिर हम मलेरिया की बात कर रहे थे। सो स्पेसिफिक डिजीजेज जो हॉटस्पॉट्स हैं दैट नीड्स टू बी टारगेटेड, एडवांसिंग हेल्थ केयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल आईडीज होंगी, वॉइस इनेबल्ड डॉक्टर डेस्क 5G सपोर्ट के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, QR स्टैम्पिंग, जनरेट यूनिक बार कोड फॉर न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड लैब सैम्पल्स, सो इट इन्हांसेस एक्यूरेसी एंड एफिशंसी, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होगा लाइक एयरपोर्ट्स पे, जैसे डिजी यात्रा में वी आर सीइंग, तो यहाँ पे भी क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्टिमाइज दी ओपीडी कंसल्टेशंस, डैशबोर्ड एंड डायनामिक रिपोर्ट्स रहेंगी, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस एंड अपडेट्स भी किए जाएंगे उसमें, सो इट विल अलाउ फॉर इजी जनरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, मोबाइल एप्स एंड वेब पोर्टल्स होंगे, तो डॉक्टर का लॉग इन डेस्क रहेगा उस पर, मोबाइल एप्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, एंड दैट वुड बी आधार बेस्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप करोगे, तो आधार भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा न्यू स्टैंडर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, पीपीपी पार्टनरशिप्स यहाँ हम देख रहे हैं, देन यूपी ट्रॉमा केयर नेटवर्क, ALS एम्बुलेंसेज आर देयर, एंड टेलीमेडिसिन हब्स फॉर डॉक्टर्स वुड बी अवेलेबल थ्रू पीपीपी अगेन, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है पीपीपी को हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, एंड ओवरऑल दिस वुड बी अगेन बूस्टिंग the generic medicines manufacturing, adherence to the standards also, and build world-class infrastructure and attract the world's best talent. जैसे हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली वी आर सीइंग कि द पीपल हु आर माइग्रेटिंग टू फॉर एग्जांपल यूएसए, तो दे आर हैविंग बेटर जॉब्स इन केस ऑफ मेडिकल सेक्टर इटसेल्फ, द हेल्थ केयर सेक्टर इटसेल्फ, सो इंडिया कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन टैलेंट इंडिया में हम कैसे कर सकते हैं। अडॉप्शन ऑफ ई सुश्रुत सी डेक्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात भी एनहेंस किए गए हैं। जैसे और हेल्थ एटीएम्स भी हैं, हेल्थ एटीएम्स दे आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन ऑल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, एंड 22,000 आरोग्य मंदिर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, फ्री डायलिसिस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, सो वी रीच एनालाइज द रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड साइंटिफिक मैनर, तो लाइक मेजर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेटरी रिफॉर्म्स कैन हैपन, सो यूपी मॉडल हम बात कर सकते हैं। लॉ कमीशन, इट्स रोल, मेंबर एंड रिकमेंडेशन। तो नॉन स्टेटूटरी कमीशन है जो कि फॉर्म किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू, जब गैजेट नोटिफिकेशन दी जाती है। इसमें जो चेयर चेयर किया जाता है वो है रिटायर्ड जज हो, जो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, एंड जो लीगल स्कॉलर और मेंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा जो सर्विंग जज है उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। जब
सेकेंड लो कमीशन की बात करते हैं जो अपॉइंट किए जा चुके हैं इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक, जिन्होंने 289 रिपोर्ट्स जो है अब तक सबमिट किए। इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर कि रिपोर्ट्स को वो एक्सेप्ट करे। तो एनेक्टमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसके लिए भी रिकमेंडेशन दी गई थी। जब 23 पैनल की बात करते हैं तो इसमें दो नोटिफिकेशन इशू की गई है, जिसमें लॉ मिनिस्टर जो है लीगल अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया फुल टाइम जो है चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर होंगे जो इंक्लूड करेंगे मेंबर ऑफ सीनियोरिटी, नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, सेक्रेटरी ऑफ द लीगल अफेयर एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एक्स ऑफिसर मेंबर्स जो होंगे वो कमीशन को टीम करेंगे जिस जो जो अंटिल अगस्त 31, 2027 तक। जो कैटेगरीज है चेयरपर्सन की उनको एंटाइटल किया गया 2.15 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी, और जो मेंबर होंगे अगर उनको 2.25 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे। जो रेफरेंस की बात करते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि जो लोग नीडेड नहीं है या फिर जो इमीडिएट चेंजेस हैं जो चेंजेस होने चाहिए उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं 22 पैनल की, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो सेक्शन 124A है इंडिया पिनल कोड का उसको वाइडली क्रिटिसाइज किया था उन्होंने अगेंस्ट द सिडेशन, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं माओइस्ट मिलिटेशंसी और नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता है टेररिज्म जम्मू कश्मीर में, या फिर खालिस्तानी मूवमेंट जैसे जो मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं तो बैक में देखने के मिलते हैं, उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन थी। कमीशन ने रिकमेंड किया था एंड सेक्ट ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जैसे 23rd पैनल भी फॉर्मुलेट किया गया बनाया गया है, तो September 2 का भी रिसेंट नोटिफिकेशन था, तो उसकी जो टर्म रहेगी दैट विल बी टिल 31st August 2027। सो वी नीड टू रिमेम्बर क्योंकि कोई फिक्स टर्म नहीं होते इन टर्म्स ऑफ कि एवरी 5 ईयर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज वन थिंग। एंड अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं बाय द लॉ कमीशन, तो दैट इज 279th रिपोर्ट। तो उसमें क्या मेजर रिकमेंडेशन रही? फर्स्ट इज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो दे हैव डिस्कस्ड द फीजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया व्हिच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44 ऑफ द DPSP। एंड रिकमेंडेशन इज कि दे हैव रिकमेंडेड वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स ओवर दिस, सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ वन यूनिफॉर्म लॉ अ फेज्ड अप्रोच मे बी बेटर टू अवॉइड बैकलैश एंड इंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस इज अबाउट UCC। सेकेंड, रिफॉर्म्स इन द बेल लॉज की बात की गई, सो वी आर सीइंग इनकन्सिस्टेंसीज और इट रिजल्ट्स इन प्रोलॉन्ग डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, सो दे हैव रिकमेंडेड मेकिंग बेल अ राइट नॉट अ प्रिविलेज टू इंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। सो दे हैव रिकमेंडेड इम्प्लीमेंटिंग अ बेल एक्ट होना चाहिए टू स्टैंडर्डाइज द प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन ग्रांटिंग बेल। देन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के बारे में थर्ड रिकमेंडेशन, सो दिस वी हैव सीन, वी हैव इम्प्लीमेंटेड, वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, एंड देयर द मेन फोकस एरिया इज टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज ऑफ द लॉज, इंश्योरिंग स्पीडी ट्रायल्स, प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स राइट्स, एंड एनहांसिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जुडिशियल प्रोसेस टू रिड्यूस डिलेज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। Fourth recommendation is about amendments to the sedition law under section 124A of IPC. So we have seen that this section has been criticized for its misuse to suppress the dissent. So even Supreme Court has stated that if you're criticizing the government, so that does not amount to the sedition. Then recommendation is saying that you need to clearly define what constitutes seditious speech or actions to prevent its again arbitrary use. And incorporate safeguards to protect the right to free speech, that is again a fundamental right under Article 19, while balancing national security concerns. Then fifth recommendation is legal reforms for the women and gender justice. So here it is to address issues related to women safety, gender discrimination, and workplace harassment. So they have recommended stricter implementation of laws related to sexual harassment, dowry, domestic violence, and then reforms in election laws ki baat ki gayi.
टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इनहेंस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. देन रिकमेंडेशन इज वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू डीबार द कैंडिडेट्स विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस. रिकमेंडेड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाइक साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज सब्जेक्ट टू इट्स फीजिबिलिटी. एंड देन रिफॉर्म्स इन फैमिली लॉज की बात की गई है, विच आर गवर्निंग मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, सो दैट वी आर एबल टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. एंड ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स पे क्या रिकमेंड किया गया है, दैट इज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए टू सेंसिटाइज द लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज. सो ये मेजर रिकमेंडेशन है अंडर द 279th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन जो कि अगस्त 2023 में रिलीज की गई थी. माय सैटर्न मैजेस्टिक रिंग विल बी ब्रीफली डिसअपियर इन मार्च 2025. तो ऑप्टिकल इल्यूजन देखा जाता है, जब हम सैटर्न की बात करते हैं तो वो टिल्ट अपने एंगल पर 26.73 डिग्री, टेक अबाउट 29.4 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट द सिंगल ऑर्बिट ऑफ सन. तो जब हम हाफ ईयर्स की बात करते हैं 15 ईयर्स, तो जो गैस ग्रांट्स है वो टिल्ट हो जाते हैं टावर्ड सन के फ्रॉम हाफ ऑफ द इट टिल्ट अवे फ्रॉम इट. तो रिंग है वो सेम एंगल पर भी टिल्ट होते हैं जो जिस एंगल पर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है. तो उस टाइम पर जब हम जो 25 मार्च में आएगा वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा किस तरह से जो एज ऑफ रिंग्स है विल बी विजिबल फ्रॉम अवर प्लेनेट. तो जो कि वेरी टाइनी, जस्ट 10 ऑफ द मैट्रिक थिक इन द मोस्ट प्लेसेस. तो जो पोजीशन है जो रिफ्लेक्ट होती है वो लिटिल लाइट एसेंशियली मेक विजिबल. जब हम इमेज की बात करते हैं तो हम नॉर्मली इन रिंग्स को नहीं देख सकते, लेकिन जो हाफ ईयर उनका कंप्लीट करने के बाद कंडीशन क्रिएट होती है उस टाइम पर हम उस लेयर उस रिंग को देख सकते हैं. तो जब नासा ने कंफर्म किया था 2018 में, द सैटर्न विल लूज इट्स रिंग फॉर गुड. इनफैक्ट सैटर्न की जो रिंग है वो कंसिस्टेंटली पुल्ड हो रही है टावर्ड प्लेनेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो देखने के लिए मिलते हैं उसकी वजह से. तो जो जिसमें हम देखने के लिए मिलते हैं किस तरह से जो अदर प्लेनेट्स हैं उनके ऊपर भी जो रिंग्स है वो हो सकती है जब हम जुपिटर, यूरेनस या फिर नेपच्यून की बात करते हैं. इवोल्यूशन की बात करते हैं तो 100 मिलियन ईयर एगो इवोल्व हुई थी जब कोलिजन हुआ था टू आइस मून्स के अंदर. सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर. तो जब हम सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जब हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो की प्लेयर के रूप में देखने के लिए मिलता है. जब आज की बात करते हैं तो सिंगापुर कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट का, 5% ऑफ ग्लोबल फैब्रिकेशन का जो कि सिलिकॉन वेफर्स होते हैं जो सर्कुलर पीसीज होते हैं अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन के जो यूज किए जाते हैं 8 से 12 इंचीज डायमीटर में चिप मेकिंग में. इसके अलावा 20% सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट प्रोडक्ट में. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसमें 76 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू था कि जो प्लांट्स हैं जो उनकी कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जाएगा. जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो टाटा ग्रुप की ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ सेटअप देखने के लिए मिलता है. इसके अलावा 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो कैबिनेट है उनके द्वारा अप्रूव की गई, और 4 असेंबली यूनिट्स इनिशिएट किए गए जो इनिशिएटिव स्कीम्स के अंदर है. जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की तो इसके अंदर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, असेंबलिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग,
फैब्रिकेशन या इक्विपमेंट या फिर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग देखने के लिए मिल सकता है। जब हम सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर में जो है 5 बिलियन सेमीकंडक्टर फैब सिंगापुर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू बीइंग ऑप्टिकल दिस ईयर। जब ग्लोबल फाउंडेशन इनोग्रेशन की बात करते हैं तो 4 बिलियन फैब्रिकेशन प्लांट जो है सिंगापुर दैट इज कैपेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 28 mm नोड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जॉइंट वेंचर्स थे जिनके द्वारा 7.8 बिलियन प्लांट विल मेक 40 to 130 nm नैनोमीटर चिप फॉर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या मोबाइल मार्केट्स। जब हम चिप मेकिंग की बात करते हैं यहाँ तो पे जो है दिव्या, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेसन हैं, इंडिया क्या लेसन सीख सकते हैं सिंगापुर के जर्नी से, जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे हैं। सो 1960s और 70s में अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन चिप मेकर्स जो थे, दे वर लीडिंग एंड दे वर लुकिंग फॉर लेबर, लोअर लेबर कॉस्ट एंड दे दी सफिशेंटली स्किल्ड लेबर द वर्क फोर्स। तो उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी इन दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट हुई बाई यूएसए, तो वहां से वी सॉ दी ग्रोथ ऑफ दी ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स फ्रॉम सिंगापुर। सो सिंगापुर वाज वन ऑफ द कंट्रीज। तो व्हाट इज वर्क फॉर सिंगापुर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, स्टेबल बिजनेस कंडीशंस, क्रिटिकल मास ऑफ लीडिंग कंपनीज व्हिच आर बेस्ड इन द कंट्री, कवरिंग द फुल वैल्यू चेन। सो इंडिया भी इन्हीं चीजों पे फोकस कर रहा है। वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सूटेबल ह्यूमन कैपिटल की भी हम बात करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग कि सिंगापुर में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी ऐसे कोर्सेज ऑफर करती है जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इन डिजाइनिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद द सेमीकंडक्टर कंपनीज इन द डॉक्टरल रिसर्च। सो देर इज मोर यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी। दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द फीचर्स इन इंडियाज दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो इट इज सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल फोकस ऑन डी रिस्किंग एंड इम्प्रूविंग द सप्लाई चेन रेजिलियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन भी है लॉन्च इन 2021। सो हेयर वी आर सीइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफर्ड हाफ द प्लांट्स कैपिटल। सो राइट नाउ एज वी आर सीइंग दैट देर इज अगेन एडिंग अप टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट ₹1.26 लाख करोड़। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज यही है। ग्लोबल डोमिनेशन वी आर सीइंग कि यूएसए सबसे बड़ा प्लेयर है। जब हम एनवीडिया की बात करते हैं, माइक्रोन की बात करते हैं और टोटल माइक्रोन, तो दैट इज यूएसए प्लेयर्स जो लीडिंग प्लेयर्स, अपार्ट फ्रॉम ताइवान का जो मेजर हम बोल सकते हैं मोनोपोली पावर एक तरीके से, या ओलिगोपोली की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज और अगर हम देखते हैं तो मेच्योरिटी आने में एक एक वो जो स्टेज है, इंडिया विल टेक टाइम। सो जैसे कि हम बात करते हैं अगेन कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमने बात करी, या फिर जब हम रेवोल्यूशन की बात करते, कंप्यूटर रेवोल्यूशन की हम बात करते थे कि विल इंडिया मिस द बस। तो इस केस में भी अगेन वी नीड टू लुक एट दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि मेच्योरिटी आने में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आने में, ये लॉन्ग जेस्टेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। ऑल दो वी आर सीइंग कि जॉइंट वेंचर्स हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो राइट नाउ वी हैव ओनली लाइक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स आर देयर एंड 4 असेंबली लाइन्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो नॉलेज शेयरिंग अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैनेजिंग दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क्स, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। स्किल्ड वर्क फोर्स इन दिस केस इज इम्पॉर्टेंट। कौन से ऐसे अगेन रीजन्स हैं जहाँ पे वी हैव बोथ लो कॉस्ट एंड दी लेबर इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज। ये नेक्स्ट टॉपिक। सो वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग पैक्ट ऑन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूके, दे हैव साइंड द काउंसिल ऑफ यूरोप्स कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द यूज ऑफ दिस न्यू रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन इज, इंडिया इससे बाहर क्यों है एंड हमने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, या वाई इंडिया इनिशियली वॉज नॉट मेड अ पार्ट ऑफ दिस लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। सो दिस इज वन थिंग। एंड अगेन क्या हम बोले बोल सकते हैं कि द रूल्स आर ऑल्सो बींग देन अगेन दे आर बींग डिसाइडेड बाई दी वेस्टर्न वर्ल्ड। तो एक तरीके से यहाँ पे भी वी आर सींग देयर हेजेमनी। एंड अगर हम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो दे हैव टेकन इन टू कंसिडरेशन रिस्क बेस्ड अप्रोच टू डिजाइन एंड डेवलप, देन रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड प्रिवेसी राइट्स ऑल्सो।
that the victims of AI related rights violations, they have legal recourse. Then this is first of its kind treaty, and it will be ensuring AI upholds people's rights. So again, human centric एंड राइट्स बेस्ड पे ज्यादा फोकस किया गया है. रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी फॉलो होना चाहिए, एंड लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए. देन ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबिलिटी में और कंसिस्टेंट विद द ऑब्लिगेशंस, सो यही मेन एरियाज हैं यहाँ पे. तो G7 पैक्ट ऑन ए आई की जब हम बात करते हैं, या यूरोपियन यूनियन में ए आई एक्ट भी है, पर्टिकुलरली दे हैव द लॉ. देन ब्लेचले डिक्लरेशन इज रिलेटेड टू अगेन दी रेगुलेटिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. तो G7 पैक्ट ऑन एआई इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग एडवांस्ड एआई सिस्टम्स. तो दिस इज 11-point कोड. वॉलंटरी गाइडेंस है, चैट जीपीटी यूसेज, तो सारे नॉर्म्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं. तो ब्लेचले डिक्लेरेशन में भी वी सी इंडिया इसका पार्ट है. 28 कंट्रीज हैं इसमें, US, चाइना, जापान, इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इट. तो दे डिक्लेयर दैट ग्लोबल एक्शन वॉज नीडेड टू टैकल द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई. सो डेटा सेफ्टी कंसर्न्स है, हाउ इट विल बी अगेन व्हेन इनिशियली ह्यूमंस आर डेवलपिंग दैट टेक्नोलॉजी, वी आर कोडिंग. तो व्हाट इफ इट डज नॉट बिहेव इन द मैनर इट इज सपोज टू बी, तो तब हमारे लिए क्या सॉल्यूशंस है? क्या तब कोई ह्यूमंस को डेंजर पहुंचा सकती है एआई टेक्नोलॉजी या नहीं? या जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी हैं, दे आर वर्किंग ऑन एआई. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. एंड इशूज एंड कंसर्न्स में लीगली बाइंडिंग रहेगा, प्यूनेटिव सैंक्शंस हैं. ट्रीटी इज ओनली अर्ली ऑन इंक्लूडेड इसराइल एंड जॉर्जिया, बट नाउ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्री. सो यही कंसर्न है कि इट इज डिसाइडेड एंड इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉट द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉन्ट्स. तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ की कंसल्टेशन, या उनको क्यों नहीं मेंबर बनाया गया? Have you heard the teachers? तो टीचर रिफॉर्म्स की बात की है कि एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए. जब एजुकेशन एजुकेशन की बात करते हैं तो कैसे मार्क्स लाना और उन चीजों को करना जरूरी. तो इसके अलावा क्या क्या और इम्पोर्टेंट है जब कंपेयर करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, या फिर जो भी फॉर्मेट वहां पर अपनाया जाता है, तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से उनमें डिफरेंस है, या फिर क्यों प्राइवेट स्कूल को प्रेफर किया जाता है. तो क्या चेंजेस होने चाहिए जब टीचर्स की बात की जाती है उनके स्तर पर. क्या वो जब एआई के आने के बाद, या फिर जब हम कोविड के बाद वाले टाइम पीरियड्स की बात करते हैं, तो क्या वही वैल्यूज या वही बेसिस रह गए हैं जो पहले थे टीचर की रिस्पेक्ट करने में, या फिर जो टीचर्स की चीज जो चैलेंजेस उनके सामने देखने के लिए मिलते हैं उनको किस तरह से टैकल किया जाए. जो कंसिडर किए जा सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के थ्रू, एडहॉक टीचिंग जो सिस्टम देखने के लिए मिलता था उनके लिए, या फिर जो इंक्रीज किए जाने चाहिए टीचर्स की लर्निंग को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं. किस तरह से टीचर को भी कंटिन्यूअसली सीखते रहना जरूरी है, तभी वो अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए. तो उस टाइप के अप्रोच को किस तरह से प्रमोट किया जाए. जब हम नई न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, फिर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वहां पर टीचर्स को यूरोपियन कंट्रीज में भेजा गया था ताकि उनके लिए स्किल्स को बढ़ाया जा सके. तो उन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है ताकि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जा सके टीचर्स डे के साथ साथ, जो उसकी वैल्यूज है, जो उनके उनको भी उनके अंदर भी उनको भी स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट किया जा सके. इसके अलावा जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो किस तरह से स्कूल लेवल पर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जा सकता है बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू. जब हम अदर कंट्रीज के साथ करते हैं तो उनके साथ कनेक्टिविटी की जा सकती है. जैसे जब हम हॉस्पिटल्स को देखते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल एक साथ चलते हैं, कि जो सर्जन या फिर जो भी डॉक्टर है वो सर्जरी भी करते हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए. तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिसमें जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं या फिर जो अदर सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनको जोड़ा जा सके, ताकि जो स्किल के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन या फिर जॉब क्रिएशन है उसके ऊपर फोकस किया जा सके. जब स्कूल्स की बात करते हैं तो करियर काउंसलिंग को प्रमोट किया जा सकता है स्कूल के अंदर, इस तरह के करिकुलम को अप्लाई किया जा सकता है ताकि जो उनकी स्किल बेस पे और जो बौद्धिक क्षमताओं की बात करते हैं तो उस चीज को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो. मानसी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें?
नहीं दिव्या, आगे नेक्स्ट टॉपिक। से वी नीड टू अर्जेंट पुट इट हाउस इन ऑर्डर टू स्टे। तो हाल ही में 500 ऑफिसर्स के थ्रू रिपोर्टेड की गई थी किस तरह से लेटर के थ्रू कि जो एनवायरनमेंट है, वर्क फोर्स है, वो देखा जाता है, टॉक्सिक वर्क कल्चर देखा जाता है, साउटिंग, स्कॉलिंग या पब्लिक हैरेसमेंट जैसी जो मीटिंग्स के अंदर इस तरह के बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, जिस सेबी की बात की जाती है। रिसेंट में जब मधुबनी पुरी ब्रूज की बात की जाती है, उनके लिए भी होल्डिंग ऑफिस जिन्होंने प्रॉफिट किया था आईसीआईसी बैंक का, जिन्होंने रिवेल किया 16.8 करोड़ इनकम आफ्टर बिकमिंग द होल टाइम ऑफ सेवी इन 2017, जिनके ऊपर रिसेंट में हिडनबर्ग रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था। तो किस तरह से जो चेंजेस है या फिर जो रिफॉर्म्स है वो किए जाने चाहिए, मतलब इसके अलावा इसके अंदर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जब हम वर्क कल्चर की बात करते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, और जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जा सकता है, फिर जो रिस्पेक्ट अगेन, अगर आपकी डिग्निटी। अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस, हाँ इन्वेस्टिगेशंस अगर चल रही है किसी केस से रिलेटेड, तो जो चीज अभी सामने आई है, तो अगेन उस टाइम पीरियड तक आपको एक बड़ी लीडरशिप वाली पोजीशन कैसे होल्ड कर सकते हो, तो दैट रेजेस क्वेश्चंस अगेन ऑन दी एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट भी। तो प्रॉपर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो किया जाना चाहिए इस केस में। इन्वेस्टिगेशंस तक जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा, वी नीड टू वेट फॉर दैट। नो टर्निंग बैक, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन को, जो टुक वेलकम स्टेप टावर, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम मोर प्रोग्रेसिव एंड नोट डिस्क्रिमिनेशनरी। तो जो रिमूव करना टू फिंगर टेस्ट को, इसके अलावा वाइड मूव टू अफोर्ड ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, इक्वेलिटी, डिग्निटी विद इन द मेडिकल सिस्टम। तो द रिविजन करिकुलम इज ऑल्सो काउंटर टू द एग्जिस्टिंग लॉ। जो हम बात करते हैं वेलफेयर की, हेल्थ की, LGBTQI+ कम्युनिटी की, या फिर मार्जिनाइज ग्रुप्स की, जिसमें डिसेबल्ड पीपल भी आते हैं, जिनके लिए 2016 में एक्ट लाया गया था, और ट्रांसजेंडर पर्सन जिनके लिए 2019 में एक्ट आया था, जो मैंडेट करता रिव्यू करना मेडिकल करिकुलम को और एड्रेस किया जा सके हेल्थ के नीड को जो भी डिसेबल और ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके लिए। फ्रॉम इंडिया टू ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात की है, किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रेड डेवलपमेंट ग्रांट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजमेंट की बात करते हैं, उनके ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग देखा जा सकता है। किस तरह से हम इंडिया की बात करते हैं, तो की फैक्टर जो आइडियाज है वो डेवलप किए गए हैं, यूपीआई का यूज, यूपीआई के अंदर कंट्रीज को, साउथ एशियन कंट्रीज को इंक्लूड किया गया, ताकि जो डिजिटल पेमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, 12 कंट्रीज के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लाइफ मिशन की, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको प्रमोट किया जा सके, आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। मलेशिया ऐसा पहली कंट्री थी जिसके अंदर आरोग्य मंदिर को बनाया गया था। किस तरह से जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसको प्रमोट किया जाता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहता है हम विस्तारवाद की नहीं विकास की नीति को अपनाते हैं। तो विकास की नीति के तहत जो ह्यूमन सेफ्टी या फिर जो ह्यूमन से रिलेटेड एलिमेंट है उन सबको देखा जा सकता है, जब हेल्थ केयर सेक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग जो गोल्स हैं उनको अचीव करना हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर जो एजुकेशनल स्किल और कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उनको, जिसके लिए दक्षिण जिसमें नॉलेज